नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमें 8 और 9 मुखी रुद्राक्ष क्यों और कब धारण करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रगल है, हर कोई जाके काम करके आ जाता है लेकिन मुझे काम करने में बचपन से एक्स्ट्रा स्ट्रगल फेस करने को मिलती है, तो 8 और 9 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए मैंडेटरी हो जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु और केतु नीच है, या राहु और केतु बुरे भावों में बैठे हैं, या आपकी कुंडली के सभी ग्रह राहु और केतु के मध्य में आ जाते हैं यानी काल सर्प दोष, या कहीं ना कहीं आपकी कुंडली के सभी ग्रह राहु और केतु द्वारा दृष्ट किए जा रहे हैं और उसकी वजह से आपको लाइफ के मैक्सिमम एस्पेक्ट्स पे हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है। एक होता ना कि एक हिस्सा लाइफ का ठीक नहीं चल रहा, बाकी ठीक चल रहे हैं। एक होता है मेरे लाइफ के मैक्सिमम हिस्से ही इफेक्ट हुए हुए हैं, चाहे वो मैरिटल लाइफ है, चाहे वो इनकम है, चाहे वो बिजनेस है, सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठे इफेक्टेड हुई हुई हैं। तो आपके लिए 8 और 9 मुखी रुद्राक्ष पहनना अनिवार्य हो जाता है। राहु और केतु के लिए 8 और 9 मुखी रुद्राक्ष पहनने के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि रुद्राक्ष जो है वो किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं देता। लेकिन इसके अच्छे असर के लिए इनका चार्ज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, एक ओरिजिनल होना और एक चार्ज होना। तो अगर आप इसके बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।